I have always been wearing saris ever since I won at Miss Universe, and I have always felt that saris are something which could work for any occasion. It make a woman saris make a woman look very, very beautiful and can make them look glamorous at the same time. And I always wanted to endorse a sari brand, and of course then I met Mr. Rahul Jashnani and he wanted me to endorse. The good thing is that we go back to Lucknow days, because they are also from Lucknow and I'm also from Lucknow, so there is that little Lucknow connection, because the saris, the work of Lucknow is also very, very famous. And definitely I was going to be a part of this because it involves my hometown. Yeah. जैसे कि मैंने पहले कहा कि साड़ी एक ऐसा गारमेंट है जो कि आप किसी भी ओकेजन पर पहन सकते हैं, ए, और दूसरी बात ये है कि मैंने खुद बहुत इंटरनेशनल रेड कार्पेट्स फेस्टिवल्स, फिल्म फेस्टिवल्स में मैं हमेशा कोशिश करती हूँ कि साड़ी ही पहनूँ, क्योंकि मेरे ख्याल से साड़ी जो है कि एक औरत को बहुत ग्लैमरस दिखा सकता है अगर आप उसको ठीक तरीके से एक्सेसराइज करके पहने, एंड येट आप एज एन इंडियन अपना ट्रेडिशनल कल्चरल आउटफिट भी पहन सकते हैं। हर चीज में ज्यादा लादना अच्छा नहीं टीवी सीरियल की तरह, सो लेस इज मोर। इफ आई एम वेयरिंग अ ब्यूटीफुल साड़ी, आई थिंक इट इन इटसेल्फ इज अ लवली एक्सेसरी। तो अगर आपने खूबसूरत साड़ी पहनी, उसके साथ आप थोड़ी मैचिंग इयर रिंग्स पहन लें, अच्छा पर्स कैरी कर लें, दैट्स मोर देन इनफ। बहुत ही जल्द मैं एक ऐसी पिक्चर में आने वाली हूँ जिसमें आप मुझे टोटली ट्रेडिशनल कपड़ों में देखेंगे, एंड इट्स अ सॉर्ट ऑफ अ पीरियड फिल्म जो बेस्ड इन 1940s है एंड बेस्ड ऑन अ ट्रू स्टोरी, सो आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू दैट फिल्म। Watch more. Log on to www.erosentertainment.com.